हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक सैमसंग का ऑल इन वन मशीन आया है। आप ये साइज देखोगे तो मेरे हिसाब से 27 इंच का या 26 इंच का साइज है, तो बड़ा है। गिलास इसके ऊपर गिलास होता है, ये गिलास भी इस पे लगा हुआ है। टच स्क्रीन नहीं है, ये गिलास के साथ है। यदि हम ऑल इन वन मशीन की बात करें कि ऑल इन वन मशीन कैसी होती है, क्या यूज हम इसमें किस टाइप से यूज कर सकते हैं, यदि आप ऑफिस वर्क या कोई कमर्शियल वर्क के लिए यूज करते हैं तो ये नॉर्मल मशीन ठीक होती है। आपको इधर उधर स्पेस भी कम लेती है और परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छी चलती है। कारण क्या है, इसमें SSD वगैरह जब से आई है तो इसका स्पीड वगैरह भी और परफॉर्मेंस वगैरह भी अच्छा होता है। इसमें कुछ हमने सुना है कि भाई हीटिंग का इशू भी आता है, हमने ये भी सुना है, पर अब इस तरीके का नहीं हो रहा है। अब फैन इसका बहुत हैवी वाला फैन लगा दिया, हीटसिंग वगैरह भी इसमें अच्छी होती है, तो इस टाइप का भी कोई इशू इसमें नहीं रहता है। तो हम परफॉर्मेंस वाइज की भी हमने बात बताई तो अच्छा होता है। परफॉर्मेंस आप इसमें ग्राफिक के साथ ले सकते हैं, जो आपका इसका कुछ भी आपका ग्राफिक वगैरह का या डिजाइनिंग वगैरह का भी काम कर सकते हैं। और विजुअलिटी भी इसकी बड़ी होती है, बड़ा मॉनिटर इस टाइप होता है। ये नॉर्मल में 21-18 इंच से स्टार्ट होती है और 27-28 इंच तक आती है, तो विजुअलिटी भी इसमें अच्छी होती है। हम ग्राफिक वगैरह का भी काम इसमें अच्छे से कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा एप्पल वगैरह में जो iMac वगैरह होते हैं उनमें यही इस टाइप की मशीन यूज होती है और वो ग्राफिक के काम के लिए ही यूज होती है। तो हम इसमें आप देखोगे एक हमारे पास मशीन जो आई है i3 है, ये 8th जनरेशन है और इसमें ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है, ATI का रेडियन ग्राफिक कार्ड 4GB के साथ है। ग्राफिक की यदि हमें ग्राफिक का काम करना है तो ये मशीन परफेक्ट होती है। अब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो इसमें अभी मशीन में क्या हो रखा है, ये डेड है, ऑन नहीं हो पा रही है, इसको हम रिपेयर करेंगे। ये इसमें मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है, चार्जर वगैरह हमने इसका देख लिए हैं, चार्जर ठीक है। इसमें मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है वो हम आपको दिखाते हैं कि इसका मदरबोर्ड कैसे रिपेयर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं लिख के कि आपको किस टाइप की प्रॉब्लम आती है और कैसे आप समस्या से जूझते हो, तो हम उसका आपको हो सकता तो ऑनलाइन भी समाधान दे सकते हैं, अदरवाइज आप हमारी शॉप पे भी आ सकते हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं इसको हम कैसे रिपेयर करते हैं, इसमें किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, क्या इसमें हो सकता है, कैसे ये खुलती है, ये सब हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें अपने लैपटॉप की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भेजें, हम आपको जितना संभव हो सकेगा उसका सोल्यूशन बताएंगे। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके।